तो दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम ई ऑक्शन के बारे में ही बात करेंगे जो कि आज के दिन आपके लिए होने जा रही है। 16 तारीख, जी हाँ 16 फरवरी 2023 की तारीख सामने आई थी जिस दिन 66 ई ऑक्शन को होना है। ये बेसिकली एमपीजी फोर स्लॉट्स के लिए होने वाली है, लेकिन ये भी काफी जरूरी है क्योंकि है तो डीडी फ्रीडिश की ही ना, जो भी चैनल होंगे वो डीडी फ्रीडिश पर ही आपके लिए लॉन्च होंगे। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप अपने बॉक्स को अपग्रेड नहीं करते हैं तो ये चैनल देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप डीडी फ्रीडिश में एक एमपीजी फोर बॉक्स लेंगे तो ये भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे, इनको भी आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर डीडी फ्रीडिश ने मौका तो सभी चैनलों को दिया है, चाहे वो आपके अभी देखने को मिल रहे हो या फिर कोई नए चैनल हो जो अभी तक डीडी फ्रीडिश पर नहीं आए, तो सभी को मौका मिल रहा है जो भी चाहे डीडी फ्रीडिश पर हिस्सा लेकर लॉन्च हो सकता है। ई ऑक्शन जो है वो दोपहर के 1 बजे आप सभी के लिए शुरू होने वाली है, तो 1 बजे के बाद चैनल्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे ख्याल से 2 या 3 राउंड इसके भी होने वाले हैं जिसमें सभी चैनल्स को मौका दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम नोटिस करते हैं तो करीबन लगभग एक जो है महीने का जो है गैप देखने को मिल रहा है एमपीजी 4 और एमपीजी 2 में। तो एमपीजी 4 की जो ई ऑक्शन है वो भी थोड़ी बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से 2 या 3 राउंड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतने ज़्यादा स्लॉट्स नहीं है। तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं कौन चैनल्स इस बार भाग लेते हैं। वैसे अभी तक जैसे कि जानकारी सामने आ पाई है तो जो चैनल्स के नाम मुझे मिले हैं जो डीडी फ्रीडिश में एक बार फिर से आपके लिए हिस्सा लेने वाले हैं उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। चैनल पर ही बराए थे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियोस के आगे भी सबसे पहले जरूर मिले। तो जैसे कि हमारे भी चैनल्स के नाम सामने आए हैं तो उसमें सबसे पहला नाम है चढ़ती कला टाइम टीवी। ये पंजाबी डिवोशनल और न्यूज चैनल है जो कि आपके काफी समय से डीडी फ्रीडिश पर एमपीजी 4 में बना हुआ है और एक बार फिर से वह हिस्सा लेने वाला है आप सभी के लिए। बाकी दूरदर्शन के जो चैनल्स आपको मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, बाकी केबीएस वर्ल्ड और बीटीवी वर्ल्ड भी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा 2 से 4 चैनल्स और हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे, जो कि हमारे भी समय चैनल का नाम सामने आया है, सुदर्शन न्यूज का नाम सामने आया है जो कि एक बार फिर से आपके लिए हिस्सा लेने वाले हैं, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, न्यूज स्टेट आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जो भी चैनल आपको मैंने बताए हैं ये एक बार फिर से आपके लिए हिस्सा लेने वाले हैं इसी ऑप्शन में। बाकी अगर कोई नया पार्टिसिपेंट भी हमारे बीच नजर आता है तो उसके बारे में भी आपको उसके बारे में सूचित करेंगे, तो थोड़े बहुत इंतजार कर लीजिए, जल्दी हमारे बीच जो है चैनल की सूची भी देखने को मिलेगी जैसे जैसे ई ऑक्शन होती जाएगी।